पेपर लीक मामले को लेकर इन दिनों खूब हंगामा हो रहा है, जहां कई पेपर और परीक्षाएं निरस्त होने से छात्र नाराज और आंदोलित हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रहा है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और गुजरात की कंपनी से इसके कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा कि भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। आगे उन्होंने लिखा कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित कराने वाली गुजरात की कंपनी है, पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसका मालिक जब सफलतापूर्वक विदेश भाग गया, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में जनता को बताया। जनता के गुस्से से बचने के लिए, दिखावे भर के लिए जब उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, यूपी सरकार उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करे, गुजरात भेजकर उसकी कंपनी से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे आपराधिक लोग यूपी के 60 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के दोषी हैं। यूपी की भाजपा सरकार साबित करे कि वो इन आरोपियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ है। यूपी में काम करने वाली हर कंपनी के इतिहास और उसकी सत्यनिष्ठा गुणवत्ता की जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जब बेईमान और कलंकित कंपनियों को काम दिया जाए तो जनता को समझ लेना चाहिए कि इसे काम देने वाली यूपी सरकार उस मंत्रालय उसके विभाग के लाखों की हिस्सेदारी, मतलब ये भ्रष्टाचार की साझेदारी है। इस परीक्षा से संबंधित कंपनी ही नहीं बल्कि संलिप्त हर मंत्री और अधिकारी की जांच होनी चाहिए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक उसके काम से मुक्त रखा जाए और संलिप्तता सिद्ध होने पर बर्खास्त करके कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम मांग करते हैं कि यूपी में काम कर रही या काम करने वाली या काम के इच्छुक हर बाहरी कंपनी की गहन जांच हो और सब कुछ सही पाए जाने पर ही काम दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर जब काम गलत होता है तो उससे यूपी की छवि को ठेस पहुंचती है और प्रदेश के पैसे की बर्बादी भी होती है। इन सब का खामियाजा आखिर में आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। साथ ये भी मांग की कि उत्तर प्रदेश की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए और केवल तभी बाहरी कंपनियों को काम दिया जाए जब यूपी के सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों या स्थानीय कंपनियों के पास कार्य को समय की सीमा में गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराने या उतने बड़े काम नहीं करने के अनुभव का अभाव हो। यूपी के आक्रोशित युवा पूछ रहे हैं कि यूपी के बुलडोजर के पास बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या? और ये भी कि जिस मंत्रालय के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा हुई उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ बुलडोजर मुड़ता भी है या नहीं। यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वो ही भाजपा सरकार है जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फरमान निकाल रही थी। घोर निंदनीय है। विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद अब सियासत गरमा गई है। बीजेपी भी अब उन पर हमलावर है। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें।